कक्षा पांच के गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम मत्स्य पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे, तो आज हमने जो सवाल है हमारे पास वो है कि तीन ड्रमों में 18 लीटर, 24 लीटर और 30 लीटर दूध है। तीन ड्रमों में अलग अलग संख्या माप दे रखा है, 18 लीटर, 24 लीटर, 30 लीटर। अब ये कह रहे हैं उसे बड़े से बड़े पैमाने की माप बताइए जिसे इस दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। तो देखिए आपको क्या करना है, पैमाने की अधिकतम माप बतानी है। तो पैमाने की अधिकतम माप ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, मत्स्य ज्ञात करेंगे। यानी बड़े से बड़े पैमाने के लिए मास ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 18। तो सबसे पहले छोटी आबादी संख्या दो, दो का बाद 18, दो नमे 18, दो भाग। अब 9 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। तो 3 × 9 और फिर 3 अभाज्य संख्या अपने समय के पहले से ही विभाजित होती है। उसके बाद में है 24, 2 का भाग, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 का, 2 × 6 = 12, फिर 2 का, 2 × 3 = 6 और फिर 3 का 1 बार, फिर 30, 2 का भाग, 2 का भाग हम 30 में लगाएंगे, 2 × 1 = 2, 1 बचेगा 0 उतरेगा, 5 × 2 = 10, फिर 3 का, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 1। तो इस प्रकार से आपको तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। फिर हम यहाँ लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × मैं जगह छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, फिर 3 × 3 = 24, 2 × 2 × 2 × 3, यहाँ कुछ नहीं है, डैश, और फिर 30, 30 में देखिए 2, 1 बार ही है, यहाँ हमने 2 डैश लगा दिए, 3 × 5। अब आपको ये देखना है कि इनके अंदर सार्वभौमिक गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए इसमें एक तो सार्वभौमिक गुणनखंड बन रहा है आपका 2 का और एक बन रहा है 3 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 18, 24 और 30 का सार्वभौमिक गुणनखंड, सार्वभौमिक गुणनखंड वो है 2 और 3। अगर सार्वभौमिक गुणनखंड 1, 2, 1 से अधिक होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन सार्वभौमिक गुणनखंडों की आपस में गुणा कर देते हैं। तो 18, 24 और 30 का मस 2 × 3 = 6, कितना आया, 6। यानी आपके पास सबसे बड़े पैमाने की माप कितनी होगी, 6 लीटर। यानी कम से कम आपके पास 6 लीटर का बर्तन होना चाहिए जो हमें दिए गए तीनों मापों को पूरा पूरा माप सके। अतः बड़े से बड़े पैमाने की माप बराबर 6 लीटर और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको दिए गए सवाल को हल करना है। इसे कॉपी में उतारिए और समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।